कल हमने आपको पढ़ाया था मानसर लेक, ठीक है। तो क्लास फोर्थ है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। मानसर लेक का दूसरा नाम बेटा मानसरोवर लेक, ठीक है। ये जम्मू से 62 किलोमीटर दूर है। इसकी ब्यूटी के बारे में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कल मैंने अपने लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो आज इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो आओ सीधा बोर्ड पे, इसके क्वेश्चन आंसर नहीं आ सकते, इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर इस पेज के ऊपर, इस नोट्स के ऊपर तैयार किए हैं बेटा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, इसका जो पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस इन मानसर लेक सिचुएटेड फ्रॉम द सिटी ऑफ जम्मू। तो सिटी ऑफ जम्मू है, जो जम्मू शहर है, मानसर लेक वहां से कितनी दूर है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है उसका, कितना फासला है। तो इसका बेटा ANS का शॉर्ट में लिखा हमने, आंसर है मानसर लेक। जो मानसर लेक है, मानसर एक जगह का नाम है जो जम्मू रीजन में पाई जाती है, और मानसर में लेक है, इसको हम मानसर लेक बोलेंगे। मानसर लेक कितने दूर किलोमीटर है, इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 62 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ जम्मू। ये 62 किलोमीटर दूर है कहाँ से, जम्मू से, ठीक है। तो बेटा उधमपुर से ये 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ मानसर लेक लिखना है, मानसर लेक इज सिचुएटेड, सिर्फ मानसर लेक और इज लगाना है इसमें, बाकी जहां से लेके जहां तक क्वेश्चन जो है सेम अपने आगे लिखना है, ठीक है ना, 62 किलोमीटर साथ में लिखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है बेटा, नेम द फेमस श्राइन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मानसर लेक, कि मानसर लेक के किनारे पे कौन सी जो मशहूर, ठीक है, फेमस पॉपुलर श्राइन कौन सी है। तो आपने बेटा लिखना है सिर्फ द श्राइन ऑफ शेषनाग, कौन सी है, श्राइन ऑफ शेषनाग। श्राइन किसको बोलते हैं बेटा, एक पवित्र स्थान को, एक धार्मिक प्लेस को हम श्राइन बोलते हैं। तो वहां पे जो शेषनाग है, शेषनाग की श्राइन है कहाँ पे, मानसर लेक के किनारे पे। तो सिर्फ इतना सा आपने पहले लिखना था, श्राइन ऑफ शेषनाग इज आगे जहाँ से सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मानसर लेक, आगे सेम है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, नेम द टेम्पल विच आर सिचुएटेड नियर मानसर लेक। बेटा टेम्पल किसको बोलते हैं, टेम्पल्स मंदिर होते हैं, ठीक है, जैसे मस्जिद हो गया, तो इसी तरह से हिंदुओं के मंदिर होते हैं। तो उनके नाम बताने हैं मानसर लेक के किनारे जो क्या पाए जाते हैं, मंदिर पाए जाते हैं। कौन कौन सा मंदिर है बेटा, पहले उमापति पार्वती का मंदिर है, महादेव जिसको हम शिवजी बोलते हैं उसका वहां पे मंदिर है, नरसिम्हा का मंदिर है, एंड दुर्गा का वहां पे मंदिर है। ये चार नाम आपने याद करने हैं, बाकी आगे है, आर द टेम्पल सिचुएटेड नियर मानसर लेक। उमापति, महादेव, नरसिम्हा एंड दुर्गा का मंदिर कहाँ पे है, मानसर लेक के किनारे पाया जाता है, ठीक है। सवाल आपका जो क्वेश्चन फोर्थ है, नेम द फ्लोरा एंड फौना ऑफ मानसर लेक। सबसे पहले बेटा फ्लोरा एंड फौना किसको बोलते हैं, मैंने आपको पहले अपने लेक्चर में बताया था कि जो फ्लोरा और जो फौना होता है, फ्लोरा हम प्लांट्स को बोलते हैं और फौना किसको बोलते हैं, एनिमल्स को बोलते हैं। तो आपने ये बताना है कि कौन कौन से प्लांट मानसर लेक के किनारे पाए जाते हैं या मानसर में पाए जाते हैं, और एनिमल कौन कौन से हैं। तो बेटा द फ्लोरा कंप्राइज्ड ऑफ पिन्यूस है, एक पिन्यूस किसको बोलते हैं बेटा, देवदार को, एसिका बेटा जो एसिका स्पीसीज जो किकर होता है या बबुल का पेड़ होता है उसको बोलते हैं, एंड बहुना बेरिएट एक्स्ट्रा, ये जो प्लांट्स हैं वहां पे, ये जो वेजिटेशन वहां पे पाई जाती है, एंड फन्ना कंप्राइज्ड ऑफ स्पॉटेड, और फन्ना कौन सा जो है, एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं वहां पे बेटा, जो स्पॉटेड डियर होते हैं जिसके हिरन के ऊपर डॉट होते हैं, वो काले काले धब्बे होते हैं या सफेद धब्बे भी होते हैं, वो हिरन वहां पे पाए जाते हैं। नील गाय जिसको हम कौ भी बोलते हैं, ये पूरी उसका कलर पूरा ही ब्लू होता है, नीला होता है, वहां पे ये पाए जाते हैं। और भी बेटा जानवर पाए जाते हैं, कौन कौन से, रैबिट हो गया है ना। तो इसके अलावा कौन बिसाइड अदर वाटर अवार्ड्स, और जो पानी वाले जानवर भी पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, सच है, जैसे क्रेन, सारस जिसको बोलते हैं, डक, बतख पाई जाती है, और कौन से, जैसे फिशिश, मछलियां, बेशुमार वहां पे पाई जाती हैं, अलग अलग तरह की एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा सवाल है बेटा, व्हाट एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन मानसर लेक, मानसर लेक में कौन कौन सी गतिविधियां, कौन कौन सी हरकतें करते हैं वहां पे, जब विजिटर आते हैं, लोग आते हैं वहां पे क्या क्या करते हैं। तो सबसे इसका आंसर है बेटा बोटिंग करते हैं। बोटिंग किसको बोलते हैं बेटा, जो नाव होती है वहां पे वो चलाते हैं, गेमिंग, तरह तरह की गेमें खेलते हैं, जैसे अंताक्षरी हो गया, सिंगिंग,
गाना गाते हैं, डांसिंग नाचते हैं, इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक राइड्स फॉर किड, बच्चों के लिए जो वोट होती है ना, वो इलेक्ट्रिक भी होती है नॉन इलेक्ट्रिक भी होती है, चूड़ी चूड़ी है ना, झूले वो करते हैं, और कंडक्टेड इन मानसर लेक, ये सारी जो एक्टिविटी है मानसर लेक में करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके जो 5 सवाल है ना, आपके जो जो लेसन है, अब थोड़ा सा रह गया, कल मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्लास इज ओवर, टाइम इज ओवर, थैंक्स।